दोस्तों आज का जो प्लान है 26x36 में आपको 3 बेडरूम के साथ बहुत प्यारा सा नक्शा आपको मिलेगा। ज़्यादा देरी नहीं करेंगे और आपको एक एक डिटेल हम बताएंगे दोस्तों। तो अभी आप ये प्लान देख सकते हैं, इस तरीके से प्लान आपको मिलेगा। कोई नक्शा बनाना है तो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। डिटेल की बात करें तो ये क्लाइंट का जो स्पेस है, फ्रंट जो है 26 फीट है, गहरान जो है 36 फीट है। 26x36 में प्यारा सा नक्शा बनाया गया है। अब एक बार मैं कॉलम को यहाँ पे हाईलाइट करके आपको समझा देता हूँ कि कॉलम से यहाँ पे किस तरीके से बनाए गए हैं। तो जो कॉलम मैंने यहाँ यूज किया है, 10x10 का कॉलम यूज किया है और इसमें 4 सरिया 12 mm का आपका यूज हुआ है दोस्तों। ठीक है, जो भी कॉलम आपके हैं इसमें 4 सरिए 12 mm के आपके यूज हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, और कितने नंबर आप कॉलम है, जो भी कॉलम आप यूज करिए उसमें 10x12 mm का सरिया यूज करिए। बहुत लोगों को मैं मकान देखा हूँ, वो लोग 10 का सरिया यूज करते हैं कॉलम में, जो कि गलत है। आपको हमेशा कॉलम में मिनिमम आपको 12 mm का सरिया, या सूत की बात करें तो 4 सूत का आपको सरिया यूज करना चाहिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितने नंबर आप कॉलम हो गए। ठीक है, 3 पीछे 3 6 6 4 10 10 3 13 3 16 नंबर आप कॉलम से इसमें आपके हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो एक बार आप बाहर की जो दीवार है उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं हाईलाइट पे करके दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको क्लियर रहे कि आपकी वॉल्स इस तरीके से रहेंगी दोस्तों। बाहर की जो दीवार है उसको मैंने 10 इंची का रखा है फॉर सेफ्टी रीजन, ताकि कोई तोड़ करके मकान में घुसे ना, इसीलिए इसको सेफ्टी के तौर पर यहाँ पे 10 इंची का रखा जाता है दोस्तों। और अंदर की जो दीवार है वो पार्टीशन वाल है, वो आपकी 5 इंची रहेगी, जो कि पर्याप्त है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये आपकी वॉल्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे और ये यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरी वॉल्स कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरीके से पूरा मकान दिखेगा। तो एक बार कुर्सी का जो लेवल है उसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, तो आके थोड़ा सा आपको क्लियर रहे कि ये आपको कुर्सी का लेवल है। बहुत लोग मकान बनाते हैं लेकिन मकान को बहुत ज़्यादा डाउन रख देते हैं, कुर्सी नहीं उठाते, ये गलत है। आपको अच्छा खासा हाइट रखना चाहिए, कम से कम 2.5-3 फीट रखें। आपका जो रूट लेवल है उससे 2.5-3 फीट आप कम से कम रखें। इससे क्या है, आपका मकान खूबसूरत दिखेगा। और प्लस जब भी अगर कभी वाटर लॉगिंग की दिक्कत हो रही है, आसपास पानी जमा होता है, ठीक है, तो वो भी आपके मकान को इफेक्ट नहीं करेगा दोस्तों। तो इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखें। तो अब जब मकान में आप एंट्री करेंगे तो यहाँ सामने आपको स्टेप्स इस तरीके से देना पड़ेगा, ये आपके स्टेप्स हो जाएंगे मकान में एंट्री के लिए। आपके स्टेप्स इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपके स्टेप्स हो जाएंगे कंप्लीट यहाँ तक। ठीक है, जैसे आप एंट्री करेंगे तो ये आपको मिलेगा बरामदा, जो कि काफ़ी स्पेसियस बनाया गया है, काफ़ी स्पेस इसमें है आपका। ठीक है, आपका काफ़ी स्पेसियस इस तरीके से बरामदा रखा गया है। इसके बाद ये आपका रहेगा यहाँ पे गेस्ट रूम, जो कि बरामदे से ही आप इस गेस्ट रूम में एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपका गेस्ट रूम हो गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा मेन गेट, ये आपका रहेगा मेन गेट। मेन गेट आप देख सकते हैं, ये आपका इस तरीके से आपका मेन गेट हो जाएगा। मेन गेट से आप एंट्री करेंगे, ठीक है, तो आप मकान में अंदर एंट्री कर जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे रहेगा आपका किचन। किचन आप देख सकते हैं, किचन का दरवाज़ा आप इस तरीके से यहाँ पे आप लगा सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आपका किचन का दरवाज़ा यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग जाएगा। और किचन का जो प्लेटफॉर्म है आपका इस तरीके से यहाँ पे यल पैटर्न पे इस तरीके से कास्टिंग हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से यल पैटर्न पे आपका किचन प्लेटफॉर्म आपका कास्टिंग हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इस साइड में किचन के सामने आपको सीढ़ी मिलेगा इस तरीके से। आप देख सकते हैं सीढ़ी आपको इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर मिलेगा आपका टॉयलेट बाथरूम, ये वाला हिस्सा आपका टॉयलेट बाथरूम इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इसमें चाहे तो ओनली बाथरूम बना दें या फिर दोनों बना दें या टॉयलेट बना दें, मतलब आपको अगर जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हैं। मैंने स्पेस यहाँ पर दे दिया है दोस्तों। ठीक है, और अगर इसको ना भी रखना है, ओनली बाथरूम तो कंपलसरी है मकान, अगर आप गांव में भी बना रहे हैं तो बाथरूम तो कंपलसरी है, बाथरूम तो एटलीस्ट बना ले। ठीक है, और ये आपका रहा 2 बेडरूम इस तरीके से पीछे साइड में आपके, इस तरीके से 2 बेडरूम आपके हो जाएंगे। यहाँ पे इसका दरवाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा प्लान है और मकान कम्प्लीट होने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा दोस्तों। देख सकते हैं इस तरीके से चारों साइड आप विंडो देख सकते हैं। बैक साइड में खिड़की की जरूरत नहीं है क्योंकि इस मकान को वेंटिलेशन इस विंडो से और उस मकान का उस कमरे का वेंटिलेशन उस विंडो से हो जा रहा है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, यहां से आप एंट्री करेंगे बरामदा मिलेगा गेस्ट रूम। ठीक है, आगे एंट्री करेंगे ये आपको पैसेज मिलेगा, इधर आपको मिल जाएगा सीढ़ी, ये आपका हो गया किचन, पीछे 2 बेडरूम, इधर आपका टॉयलेट बाथरूम। ठीक है, अब हाँ सीढ़ी को समझा देता हूँ आपको। सीढ़ी की जो ऊंचाई रखी है 6 इंची है, थ्रेड जो है 10 इंची है और चौड़ाई हमने 3 फीट 3 इंच में आपका चौड़ाई रखा गया है दोस्तों। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपका टोटल ये प्लान आपका रहेगा दोस्तों। तो चलिए अब साइजेस वगैरह आपको समझाते हैं कि किस साइज़ में क्या चीज़ कैसे रखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका
देख सकते हैं ये आपका फ्रंट जो रखा गया है इस तरीके से आपका 26 फीट आपका रहेगा, ठीक है, ये आपका 26 फीट और गहरान जो है 36 फीट हो गया। बरामदे की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे 8 फीट 10 इंच इस तरीके से और 12 फीट 9 इंच आपको बरामदे का साइज आपको मिल जाएगा। गेस्ट रूम की बात करें तो 12 बाई 11 फीट में आपको गेस्ट रूम मिल जाएगा। सीढ़ी आप देख सकते हैं इस तरीके से 7 फीट में आपका बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे मिलता है किचन, किचन का भी साइज आपको दिखा देते हैं। किचन का साइज आप देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 7 फीट 6 इंच इस तरीके से इंटू 7 फीट का। इसके आगे मिलता है आपको पैसेज, ये आप देख लीजिए पैसेज 7 फीट 1 इंच का आपका पैसेज रहेगा। सीढ़ी जो स्टेप से है इस तरीके से 3 फीट 3 इंच में रहेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा जो आपका बाथरूम एरिया है 3 फीट 8 इंच इंटू 7 फीट 6 इंच में और 12 फीट ये पीछे साइड वाला जो रूम है 12 बाई 11 का और दूसरा बेडरूम 11 फीट 11 इंच इंटू 11 फीट का। तो ये पूरा प्लान आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कोई नक्शा बनाना है तो नंबर शुरुआत में दिया है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।